सो हे गाइस, बहुत समय के बाद अब ये वीडियो आ रही है। बहुत समय से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था यूट्यूब पे, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो वन प्लस का बैंड है इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू, और ये कैसा रियल लाइफ में परफॉर्म करता है, तो इसे हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। सो यहाँ पर ये हमारे सामने है वन प्लस बैंड ब्लैक। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे बॉक्स में ये आता है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ब्रांडिंग आ जाती है। साइड में कुछ भी नहीं और बैक साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन। ओके, तो चलिए इसे कर लेते हैं अनबॉक्स। तो देख सकते हैं बॉक्स हो गया खाली, अंदर बॉक्स में कुछ भी नहीं है। साइड में करते हैं, और अब हमारे सामने ये जो चीज़ है ये है हमारा बैंड। तो यहाँ पर बॉक्स में अब आपको यहाँ मेन चीज़ डायरेक्टली मिल जाती है बैंड, और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है स्मार्ट एवरीवेयर। तो चलिए सबसे पहले इस चीज़ को अब कैसे निकाला जाए और इसके अंदर से क्या निकलेगा वो भी चीज़ हम बाद में देख लेंगे। बट फिलहाल इसके साथ और एक चीज़ मिलती है जो कि आई थिंक इसका चार्जर है। अब फिलहाल बॉक्स में और कुछ भी चीज़ नहीं आती है, और मेन चीज़ को हम लोग बाहर निकालते हैं जो कि है बैंड। सो बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट इम्प्रेशंस के बारे में। यहाँ पर बॉक्स हो चुका है खाली पूरी तरह से, पीछे मिल जाती है एक सिलिका जेल। सो ये है हमारी बैंड, तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाती है, और ऑब्वियसली यहाँ स्टिकर विकर लगा हुआ होगा, तो इसे हम लोग हटा लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये देखिए डिज़ाइन की, तो काफ़ी एक अच्छे डिज़ाइन में ये आ जाता है, स्पेशली कंसिडरिंग इट्स प्राइस रेंज जो कि 1500 रुपीज़ है। यहाँ पर आपको ये मिल जाते हैं बैंड स्ट्रैप्स इसके साथ। एंड चलिए अब इसे थोड़ा सा खोल के और देखते हैं। सो है गाइस, सो चलिए इस वन प्लस बैंड के रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 महीने इसे टेस्ट किया एंड तब मैं ये रिव्यू लेकर के आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्प्ले है ये एक एमोलेड स्क्रीन है, और यहाँ पर काफ़ी सारे वॉच फेसेस मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर सिंगल टैप आप करेंगे तो ये बैटरी इंडिकेट कर देता है, एंड अगर आप राइट जाएंगे तो ये नया वॉच फेस मिल जाएगा, देन अगेन नया वॉच फेस, नया वॉच फेस, नया वॉच फेस, एंड यहाँ पर पीछे जाने से ये प्रीवियस वॉच फेस पे जाता है। नीचे जाने से हम लोग डेली एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं कि हम लोग कितने स्टेप्स चले हैं, कितना वर्कआउट हुआ है, कितनी कैलोरीज बर्न हुई है। एंड ये बैंड ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही ट्रैक करता है, हल्का फुल्का तो मार्जिन ऑफ एरर रहेगा ही। वर्कआउट्स में आप जा कर के यहाँ पर अलग अलग तरह के वर्कआउट्स यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि साइकिलिंग, वॉकिंग, एंड बहुत सारे तरह के यहाँ पर क्रिकेट, बैडमिंटन, पूल, स्विमिंग, योगा, एंड बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो उससे आपका वर्कआउट होगा। यहाँ पर हार्ट रेट मॉनिटर है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट एक्यूरेटली ही काम करता है। मैंने यहाँ पे सटाया हुआ है, बांधा नहीं हुआ है, बट ये वर्क करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हार्ट रेट मैं क्लिक करता हूँ एंड ये मेज़र करेगा, तो देख सकते हैं वो 104 BPM रेस्टिंग, तो ये बहुत ही एक्यूरेटली यहाँ पर हार्ट बीट भी मेज़र कर ले रहा है 105। ओके, हम लोग इसे हटा देते हैं। यहाँ पर पीछे में आप देख सकते हैं सेंसर से हार्ट बीट मेज़र करता है। फिलहाल आगे हम लोग SpO2, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि SpO2 पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये SpO2 यहाँ पर मेज़र करेगा। थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं और देखते हैं। तो देख सकते हैं 96%, तो ये हमारा SpO2 बता दे रहा है, जो कि अभी परफेक्टली नॉर्मल है 97-98%। तो इस प्रकार से इसमें SpO2 भी मेज़र हो जाता है। स्लीप ट्रैकिंग होती है, आज तो नहीं बताएगा, कल 7 आवर्स कितने मिनट्स इसने दिखाए थे, एकदम एक्यूरेटली ये स्लीप को ऑलमोस्ट ट्रैक करता है। यहाँ पर आप क्लिक करके एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, आप वेदर जान सकते हो अगर फ़ोन से ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, करंटली नहीं कनेक्टेड है वरना दिखा देता। टूल्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप म्यूज़िक कंट्रोल इससे कर सकते हो, स्टॉप वॉच आप यूज़ कर सकते हो, टाइमर यूज़ कर सकते हो, अलार्म आप लगा सकते हो जो कि
इसमें वाइब्रेटिंग अलार्म मिल जाता है। कैमरा अगर फ़ोन से कनेक्टेड है तो आप इससे पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो बैंड की मदद से। एंड फाइंड फ़ोन से अगर ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो फ़ोन वाइब्रेट करेगा। ये सारे फीचर्स इसमें बहुत अच्छे काम करते हैं। सेटिंग्स में आप जा कर के बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ब्राइटनेस, डू नॉट डिस्टर्ब, डिस्प्ले टाइम, ये सारी चीज़ें, रीसेट एंड शटडाउन, ये सब आप कर सकते हैं। तो बैंड हमारा अब कनेक्ट हो चुका है ब्लूटूथ से। टूल्स में अगर हम लोग चले जाते हैं, यहाँ पर हम लोग अगर कैमरा का इस्तेमाल करें एंड प्लीज़ ओपन द कैमरा ऑन फ़ोन, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इसका बट, तो ये वीडियो बंद हो गई थी। यहाँ पर मुझे कट लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रेस किया और वो जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो बंद हो गई। तो ये काफ़ी एक्यूरेटली काम करता है फाइंड फ़ोन। अगर मैं तो ये इतनी देर यहाँ पर ये म्यूज़िक प्ले करता है जिससे आप फ़ोन को भी फाइंड कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि ये देखिए, जुगाड़ हैक्स जस्ट शेयर्ड ए पोस्ट। तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर एकदम यहाँ पर तुरंत आ जाते हैं बैंड पे जैसे ही फ़ोन पे आते हैं। तो ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड होने से ये सारी चीज़ें फेच कर सकता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर म्यूज़िक कंट्रोल कैसे होता है। तो मैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन से ये कनेक्ट होता है। तो टूल्स में हम लोग म्यूज़िक में जाएंगे, यहाँ पर बैंड में, तो यहाँ पर लिखेगा नॉट प्लेड, यानी कि अभी कोई म्यूज़िक प्ले नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे ही कुछ भी म्यूज़िक यहाँ पर प्ले कर देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी हमने यहाँ पर प्ले कर दिया, तो यहाँ पर एक सॉन्ग मान लीजिए प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप बैंड में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्ले हो रहा है। यहाँ से आप वॉल्यूम इनक्रीज़ कर सकते हैं, देखिए वॉल्यूम फुल पे हो गया, और वहाँ फ़ोन में भी आप देख लीजिए वॉल्यूम फुल पे हो गया। तो मतलब ये कंट्रोल काम कर रहा है। देखिए वॉल्यूम में यहाँ से बैंड से कम आ रहा हूँ, फ़ोन में भी देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है। बस गाना आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट के कारण चैनल ही बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से मैं नेक्स्ट सॉन्ग करता हूँ, तो ये वाला मैं बैंड पे दबाता हूँ और देखिए अभी नेक्स्ट सॉन्ग यहाँ पर चला गया, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। फिर से मैं नेक्स्ट पर यहाँ पर दबाऊँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन पर आपको फोकस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर नेक्स्ट सॉन्ग में चला गया। बैंड में अगर मैं पॉज का बटन दबाऊँ तो देखिए यहाँ पर ये सॉन्ग हो गया है पॉज, और यहाँ पर नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आ चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर सॉन्ग पॉज हो गया है एंड फ़ोन में भी आप देख सकते हैं सॉन्ग पॉज हो चुका है। यहाँ पर प्ले का बटन मैं बैंड पे दबाऊँ अगर, तो वहाँ पर फ़ोन में भी आप देखिए कि सॉन्ग प्ले हो गया। अगर मैं पॉज का बटन दबाऊँ तो देखिए, ये देखिए वहाँ पर भी वो पॉज हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से म्यूज़िक कंट्रोल यहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है। तो इस बैंड की बहुत सारे अच्छे फीचर्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब चलिए बात करते हैं जो सबसे बुरा फीचर है एंड जिसके कारण ये बैंड रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, वो है बैटरी लाइफ। आप देख सकते हैं इतनी देर में ये 93% डिस्चार्ज हो चुका है एंड जबकि मैंने सुबह में इसे चार्ज किया था कुछ ही घंटे पहले। तो इसकी बैटरी लाइफ स्टार्टिंग में 2 महीने मैंने यूज़ की, कंपनी तो क्लेम करती है कि 14 डेज़ की बैटरी लाइफ मिलती है, बट इसमें बैटरी लाइफ आपको सिर्फ 1 वीक तक ही मिलती है। एंड अभी हाल फिलहाल में पिछले 2 दिनों से तो क्या हो रहा है कि 1 दिन में ही पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जा रही है एंड पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है इस मॉडल के साथ कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैं कंपनी से एक बार सर्विस सेंटर में जाकर के दिखा लूँगा, बट अगर वो मॉडल स्पेसिफिक हैं देन मैं इस चीज़ को थोड़ा बहुत रिकमेंड कर सकता हूँ। बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसकी बैटरी 1 हफ्ते ही चलती है, और अगर वो चीज़ मॉडल स्पेसिफिक नहीं है तब तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। 1 दिन में अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है 2 महीने के अंदर तो ये बैंड बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ओवरऑल बात करें अगर 1 वीक की भी बैटरी लाइफ हम अगर पकड़ के चलें तो फिर भी ये बैंड मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है, स्पेशली कंसिडरिंग इट्स प्राइस पॉइंट। एंड मैं बताना भूल गया, इसमें IP68 की रेटिंग आई थिंक मिलती है, तो ये मतलब कम्प्लीटली इसे लेके स्विमिंग पूल में आप जा सकते हैं, तो ये तो भी कुछ नहीं होगा।
सो दैट्स प्रीटी मच फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। और अगर आपको ये अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू थिंग अच्छा लगा और आपको यहाँ पर पता चला इस बैंड के बारे में कि ये कैसा रियल लाइफ में परफॉर्म करता है, क्या क्या इसके प्रोज हैं, क्या क्या बड़े बड़े डिसएडवांटेजेस हैं इसके, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें। एंड अगर आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा मेरे लिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।